अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है, आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। सुबह का टाइम है, मेरे बेटे चले गए हैं काम पे और अभी इसमें मैं पानी डालने के लिए आई हूँ। अभी वर्दिश वगैरह की है मैंने, मैं सुबह सुबह वर्दिश वगैरह भी करती हूँ। बाकी तबीयत मेरी सही रहे, तबीयत मेरी ऐसे ही रहती है। बस अभी पहले पानी डाल लेते हैं पौधों में, फिर आप किसान वीडियो शेयर करते हैं। ये देखें, सुबह के बर्तन धो रही हूँ मैं, कुछ रह गए थे बर्तन क्योंकि हमारा पानी जो है नहीं चढ़ा था, देर से चढ़ा है। गिल्लियाँ सो रही है, ये कुछ सामान था जो अम्मी लेने गई थी। ये चने की दाल है और ये मूंग मसूर की दाल है और ये चावल है। ये रायते शाशे के इमरजेंसी में जब हमें रायता बनाना होता है हमें पीसने में परेशानी होती है तो इसलिए ये शाशे डाल के आराम से जल्दी से बन जाता है। और ये पत्ती ख़त्म होने की पत्ती लेकर आई हैं। और इसमें ये बैंगन है, ये बैंगन है, ये देखो ब्लैक इधर चढ़ के आ गया है। क्या कर रही हैं इधर ब्लैकी? ये बैंगन है, इसके अंदर घर में कुछ मेहमान आए हैं तो हम उनके लिए चाय बना रहे हैं। ये देखें चाय बना ली है मैंने, अब कप में डालेंगे। देख रही हैं, देखें प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है। और ब्लैकी यहाँ पर आके लेट गया है। ब्लैकी क्या कर ले हो? ये देखें यहाँ पर्स के साथ खेल रही है और कुछ नहीं नहीं हूँ। यहाँ पर हमारा किचन बिल्कुल साफ है, दोपहर का खाना सब ने खा लिया है। और ये देखें इनका शाम का चिकन बॉयल हो रहा है और मेहमान जो आए थे वो मेहमान भी चले गए। ये थोड़ी सी चाय बची है, ये मैंने अभी गर्म की और पीऊँगी। और ये चिकन है, अभी इसको वॉश करना है चिकन को, फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। ये देखें बाहर का मौसम कितना प्यारा हो रहा है और असर की अजान भी हो रही है। देखें वो जो है ना वो शहद लगा हुआ है उस, ये आपको दिख रहा होगा ये शहद है पर अब इसमें बचा नहीं है, शायद ख़त्म हो गया। और हाँ ये अम्मी हलीम लाई थी भाई के लिए, भाई चावल नहीं खा रहे थे, भाई बोले थे मेरा गला ख़राब है तो इसलिए अम्मी हलीम लाई थी। पर वो मेहमान जो आए थे उनके साथ बाहर चले गए, खाना शायद बाद में खाएंगे। ये देखें चेरी यहाँ प्यार करवा रही है। चेरी क्या कर रही हो? देखें मैंने मीट निकाल लिया, अब इसको मैं वॉश करूँगी फिर इसके पीसीस करूँगी। सबसे पहले तो हम इसे वॉश करते हैं। फिर हमारा गोश्त धुल चुका है बिल्कुल अच्छे से, देखें अब इसके पीसीस करेंगे।
देखें हमारा गोश्त जो है वो कटिंग हो चुका है। और यहाँ देखें, यहाँ लिली बैठी हुई है खाने के लिए, इनका खाना भी बस पकने वाला है तो इनको खाना देंगे। ये देखें केरी बैठी हुई है, और ये रही हमारी सूजी। सूजी क्या कर रही हो? सूजी सना कहाँ नीचे करना है? सूजी हाँ कहाँ हुआ? लिली हाँ। ये देखें हम आज मलाई बोटी बना रहे हैं। इसमें मैंने तेल में गरम मसाला हल्का सा डाला है, और इसमें अभी अदरक लहसुन डाल के फिर चिकन डाला है इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा सफ़ेद होने देंगे, सफ़ेद सा हो जाएगा ना चिकन, तो उसके बाद हम इसमें मलाई की शाशे डालेंगे। देखें आपको दिख रहा होगा इसमें थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया है। और इधर इधर ये देखें दही खाने की तैयारी हो रही है। ये डालेंगे दही दो, और ये हैं क्रीम के पैकेट, ये डालेंगे। तकरीबन हमारा चिकन हो चुका है। अब इसमें चीज़ें डालते हैं, अभी हम इसमें अपने मसाले डाल लें। चीली मिर्च दो चम्मच पीसी हुई मिर्चें डाली हैं इसमें मेरी सिस्टर ने, सब पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक, अभी इसमें हमने वो क्रीम डाली है जो अभी आपको दिलाई थी, और तक क्रीम डालते हैं हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, तब वो ही डाली है अभी इसमें। और ये बहुत ही मज़े का बनता है सालन, हमारे घर में ज़्यादातर लोग यही खाते हैं। इसमें अभी हमने मलाई बोटी डाली है, वैसे तो ये सादा बनता है क्योंकि इसमें ये डलती है ना क्रीम, तो क्रीमी सा होता है, पर हमारे घर में ना सभी स्पाइसी खाते हैं चीज़ें, तो इसलिए ना मेरी बहन चटपटा करके बनाती है स्पाइसी, ताकि सब शौक से खा लें। कितना अच्छा लग रहा है देखे सालन। अभी पकने के बाद हम आपको दिखाएंगे कहना, ये अभी दही डालेगा इसमें दही। ठीक है, मेरी सिस्टर जो है अभी इसको दही घोल रही हैं ताकि हम इसमें डाल दें। तो अभी इसमें हम दही डाल दें जो कि डल चुका है, अभी एक और डालेंगे इसमें, ज़्यादा बनती है फ्राद के हिसाब से, तो इस वजह से दो डलते हैं इसमें हमारे घर में। तो अभी इसमें हमने दही डाल दी है, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे मेरी मम्मा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम भी व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। बंद करके चढ़ा, बस अब हम इसको बंद कर देते हैं, थोड़ी देर चढ़ा देंगे, फिर ये पक जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। जब तक है हम आपको अपनी माँ की, ये भी इतनी प्यारी मानो है क्यों? दोबारा बैठ, हटो हटो मानो, हटो चलो मिली बुल्ला। ये हमारा ब्लैक ही बैठा हुआ है, ब्लैक कलर है इसलिए दिख भी नहीं रहा है।
यहाँ मेरी आपी जो हैं वो बर्तन धो रही हैं, और आप मौसम देखे हैं कितना प्यारा हो रहा है। सुबह का और शाम का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये देखें हमारा सालन तैयार हो गया है, और हमने इसमें धनिया भी गार्निश करके डाल दिया था। ये देखें आटा भी मैंने गूंद लिया है, बस अब शाम की रोटियां बनाएंगे। और यहाँ पर केट का चिकन हमने बॉईल कर लिया, ये देखें, और रात का टाइम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस हम रोटियां बनाएंगे शाम की और सब मिलकर खाना खाएंगे फिर। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। हमारा वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।